था, बट ऑर्गेंजा के जो लहंगे रहते ना, बहुत सारे लोगों के घर में शादी ऑलरेडी आ चुकी है, डेट्स आ गई हैं, एंड बहुत सारे लोग ऑनलाइन लहंगा परचेज करने का सोच रहे थे, बिकॉज मेरे पास कमेंट में आ रहा था, लाइक जो मैंने दो लहंगा अभी वीडियोस डाली थी, सो अगर आपने वो मिस कर दिया हो पार्ट वन पार्ट टू वेडिंग हॉल पे, देन उसकी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी, सो प्लीज मेक श्योर टू चेक दैट। एंड आज के वीडियो के लिए मैंने स्पेशली लाइक वो ब्राइड्स मेड का जो लहंगा रहता है ना, मैंने वो पिकअप करा है। सो अगर आपके लाइक दीदी भैया की या फिर फ्रेंड की शादी हो रही है, तो ये लहंगा परफेक्ट होने वाला है इस वेडिंग सीजन में। सो या मैंने आज का लहंगा रखा है वो है ग्रीन कलर का। सो मेजरली जो मेरा फोकस है आज की वीडियो की साइड में वो है लहंगा, बिकॉज लहंगा तो है ही, उसके अलावा मैंने दो ज्वेलरी ऐसी परचेज करी हैं जो आप इस लहंगे के साथ, प्लस आपके जो बाकी आउटफिट्स है ना उसके साथ भी आप वो ज्वेलरी कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे पास एक और ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके बहुत काम आने वाला है। सो या विदाउट एनी फर्दर डिले नाउ लेट्स जंप टू द वीडियो। And also Amazon Great Republic Day sale is coming from 17th to 20th of January. So you will be getting some amazing offers on fashion and beauty category. So yeah, I'll definitely suggest to start wishlisting these products right now. Alright, so लहंगा मैं first time मैं आपके ही साथ open करने वाली हूँ। मैंने अभी सिर्फ ऊपर से इसे open करा है, but मैंने इसे अभी like वो अंदर से खोल के नहीं देखा था। like आप देख सकते हैं बिल्कुल pack है अभी, यहाँ पे ribbon तक लगी हुई है, इसे मैंने बिल्कुल भी open नहीं करा है। सो पहले मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देती हूँ ये किस टाइप का लगता है। सो अगर आपको पता होगा कि मैंने जो लहंगा लास्ट टाइम परचेज करा था तो वो जील क्लोदिंग का था, एंड वो बहुत अच्छा आया था, दैट्स व्हाई मैंने इस बार भी जील क्लोदिंग से ही परचेज करा है। बिकॉज मैं लाइक अगर मैं इतना इन्वेस्ट कर रही हूँ ना 3500-4000 के अप्रॉक्स का, तो मैं उस मनी को वेस्ट नहीं करना चाहती थी कि मैं मतलब उससे सेटिस्फाई ना हो पाऊँ, इसलिए मैंने जील क्लोदिंग से ही ये वाला इस बार लहंगा ग्रीन कलर का जो है ना उस पर वो वाला परचेज करा है। एंड इसमें आपको अलग अलग कलर्स मिल जाएंगे, आई थिंक इसमें 7 से 8 कलर आपके पास अवेलेबल है, ग्रीन, पिंक, ब्लू, व्हाइट, ये सारे कलर्स अवेलेबल थे, बट मुझे ग्रीन कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो अब हम इसे ओपन करते हैं, एंड पहले हम इसकी कुछ डिटेल्स पढ़ लेते हैं। लाइक इसमें आपको ब्लाउज, लहंगा, चुन्नी, ये तीन चीज़ मिलेगी, एंड ये ऑर्गेन्जा में है। तो ऑर्गेन्जा फैब्रिक, मेरा लास्ट टाइम लहंगा भी आई थिंक ऑर्गेन्जा में ही था, बट ऑर्गेन्जा के जो लहंगे रहते हैं ना उसमें फ्रिल बहुत आती है, एंड जील क्लोदिंग पे मोस्ट ऑफ द लहंगा मुझे ऑर्गेन्जा में ही मिले थे, सो इसलिए मैंने ऑर्गेन्जा सिल्क में ही परचेज करा। इसके अलावा मुझे जो डिजिटल प्रिंट आता है ना वो मुझे उतना ज़्यादा खास नहीं लगता है, वो भी अवेलेबल था जील क्लोदिंग, बट मुझे डिजिटल प्रिंट पता नहीं क्यों बट मुझे वो अच्छे नहीं लगते हैं। सो अब हम इसे ओपन करते हैं। ओके ओके ओके, इसके जो नीचे का डिज़ाइन है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है, सो ये मतलब लहंगा लग रहा है मुझे, लहंगा ये तो लहंगा ही लगेगा। सो रिबन हम इसकी ओपन कर देते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड थी इसके लिए कि ये कैसा आएगा, बिकॉज लास्ट टाइम वाला जो लहंगा था ना वो बहुत अच्छा आया था अमेजोन से, एंड मैं एथनिक वेयर के लिए सजेस्ट भी करूँगी, लाइक अमेजोन इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर लाइक इंडियन वेयर, एथनिक वेयर। सो लहंगा हम बाद में खोलते हैं, पहले हम दुपट्टा और इसका नहीं, पहले हम लहंगा देखते हैं। सो हम लहंगा पहले देख लेते हैं। सो दिस इज अ सेमी स्टिच्ड लहंगा। ओके ओके ओके, सो ये भी उतना ही घेर वाला आया है जितना मेरा फर्स्ट वाला था, एंड द प्लस पॉइंट इज ऑफकोर्स इसकी बॉर्डर, बिकॉज लास्ट टाइम वाला जो लहंगा था पिंक वाला उसमें बॉर्डर नहीं थी, वो बिल्कुल प्लेन था, एंड ये है इसके ऊपर की डिजाइन जो आपके वेस्ट पर आएगी, एंड इसकी फ्रिल देखेंगे ना तो कितने पास पास कितने अच्छे से डिजाइन किया गया, मतलब प्रॉपर डिस्टेंस पर फ्रिल बना के रखा है इतने अच्छे से, ऑनलाइन में तो मैं कहूँगी कहीं पे भी नहीं मिलता है, ऑफलाइन में आपको मिल जाएगा। एंड फ्रिल तो बहुत ही अच्छा आया है, घेर बहुत अच्छा है, कपड़ा भी सफिशियंट लगा के दिया है, बिकॉज क्या होता है ना ऑनलाइन लहंगे में आपको जो लाइक कपड़ा देते हैं ना वो उतना सफिशियंट नहीं रहता है, तो उसमें जब हम पहनते हैं ना वो लहंगा तो वो लहंगा जैसा नहीं लगता है, तो इसलिए मुझे ऑनलाइन लहंगा परचेज करने में थोड़ा रिस्क लगता है। बट अगेन जील क्लोदिंग से ही मेरा सेकेंड टाइम है जब मैंने लहंगा परचेज करा है, एंड मैं टोटली सेटिस्फाई हूँ जील क्लोदिंग से। इसकी अब मैं नीचे की डिजाइन आपको बताती हूँ, इसमें एक कैन ऑलरेडी लगा है, एंड बीच बीच में ये लाइक इसमें सितारा वर्क हुआ रखा है, तो अगर आप पास से देखेंगे ना, रुको मैं आपको सितारा दिखा दूँ कहाँ पे है। सो ये छोटे छोटे से सितारा दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? हाँ हाँ, ये ग्रीन वाला जो बना है। सो पूरे लहंगे पे ये सितारा वर्क ऑलरेडी है, एंड इसका जो नीचे का डिजाइन है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो ये इतना हैवी है तो इसे कैरी करने में बहुत ज्यादा मुझे इशू हो रहा है। सो या
आप पास से देखेंगे कितने अच्छे से काम होकर रखा है। इसका फ्लोरल प्रिंट प्लस ये गोल्डन कलर का जो सितारा वर्क है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी बॉर्डर पे ये बना के दिया है, नीचे मतलब पूरे बॉर्डर पे वही वही बना है, तो बहुत अच्छा लगेगा जब आप इसे पूरे तरीके से पहनेंगे। जब मैं इसे स्टिच कराऊंगी ना तो नीचे आप मतलब इमेजिन कर सकते हैं इतना मोटा बॉर्डर है, एंड वो पूरे लहंगे पे बॉर्डर दिया गया है, प्लस इतना ज्यादा घेर है, तो बहुत अच्छा लगने वाला है। मैं टोटली सेटिस्फाई हूँ लहंगा से, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, लाइक 10 out of 10 ले लो मेरा, 10 out of 1000 ले लो मेरा। सो अब हम दुपट्टे की बात कर रहे हैं। दुपट्टा इसका और भी ज्यादा सुंदर है, लुको मैं पहले दुपट्टा इसमें देख लूँ। सो दुपट्टा आप देख सकते हैं इसका इस टाइप में दिया गया है, पूरे में वो सितारा वर्क हुआ रखा है, एंड सेम इन्होंने इसमें प्रोवाइड करा है, तो फ्लोरल प्रिंट है एंड अस्तर भी दे के रखा है। सो ये है अस्तर उसका, एंड ये है स्लीव्स आई थिंक, नो ओके ओके आई गॉट इट। सो ये है फ्रंट सेक्शन, ये हमारा फ्रंट सेक्शन है। मैं बैक और लगा लूँ फिर मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताती हूँ, मुझे समझ में तो आ गया है। ओके सो दिस इज द ब्लाउज, मतलब आप देख सकते हैं ना ब्लाउज पैटर्न टाइप का दिख रहा होगा वो। सो ये है ब्लाउज एंड ये बहुत अच्छा है, जैसा ये पिक्चर में शोकेस करा है ना ये ठीक वैसा ही है, एंड ये आपका अंदर का अस्तर आ जाएगा। सो अस्तर भी मैं एक बार आपको लगा के बता ही देती हूँ। सो अब आपको ब्लाउज की डिजाइन दिख रही होगी प्रॉपर तरीके से, एंड ये आपका गला आ जाएगा फ्रंट में, और सेम ऐसा ही ब्लाउज आपके बैक में है। इन्होंने एक्स्ट्रा कपड़ा भी देके रखा है, अगर आपको स्लीव्स वगैरह स्टिच करानी हो तो आप स्लीव्स वगैरह स्टिच करा सकते हैं, बट इसमें जो है ना इसमें ये हाफ स्लीव दिया गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे स्टिच करा सकते हैं। ब्लाउज के लिए भी 10 on 10, एंड दुपट्टे की अगर हम बात करें तो दुपट्टा कहाँ ही रह जाएगा, मतलब दुपट्टे में भी उन्होंने पूरा दे ही दिया है। सो दुपट्टे में भी उन्होंने पूरा बहुत अच्छे से काम किया गया है, ये एक लेस प्रोवाइड है पूरे कॉर्नर पे। सो ये पूरे कॉर्नर पे आपको ये लेस मिलती है, एंड ये सितारा वर्क भी आपको पूरे कॉर्नर पे मिल जाता है। सो मुझे दुपट्टे में से भी कोई कंप्लेन नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, दुपट्टा भी सफिशियंट है। मतलब बहुत सारे दुपट्टे क्या होते हैं छोटे आते हैं साइज में, लाइक एज कम्पेयर टू लहंगा के साइज में दुपट्टा आपको बहुत ज्यादा छोटा मिलेगा, बट ये वर्थ इट है खरीदना। 3500 बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने वाले हैं आपके, मैं इस चीज की गारंटी देती हूँ। अगर आपको कभी भी लहंगा खरीदना हो ना अमेज़न से या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप प्लीज जील क्लोथिंग से परचेज करना, मतलब अमेज़न पे, बिकॉज इसके पहले भी मैंने आपके साथ मीशो का एक लहंगा हॉल शेयर करा था, एंड उसमें जो लहंगा आए थे ना वो उतने फ्रिल वाले नहीं थे, प्लस उनकी क्वालिटी दिख रही थी कि लाइक वो 600-700 or 1000 रेंज तक के ही है, बट इसकी क्वालिटी भी अलग से दिख रही है कि ये 3500 का है ना, तो ये वर्थ इट है खरीदना। सो मैं इससे हाईली सेटिस्फाइड हूँ मतलब, तो इसको तो मैं 10 on 10 देने वाली हूँ। अब इसके साथ जो मैंने ज्वेलरी परचेज करी है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो सबसे पहली ज्वेलरी मैं ग्रीन कलर की ढूंढ रही थी, बिकॉज ये ग्रीन लहंगा के साथ मैं ग्रीन ज्वेलरी और गोल्डन टच में ढूंढ रही थी, बट मुझे ग्रीन और गोल्डन तो नहीं मिला, बट ग्रीन और व्हाइट मिल गया था, दैट इज फ्रॉम जावेरी पर्ल्स, एंड ये है 351 rupees का, एंड ये मेरी विशलिस्ट में आई थिंक 1 साल से पड़ा हुआ था, बट जब ये रिसीव हुआ ना तो मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, आई डोंट नो वाई, बट मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। मतलब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है, इमेज में देखिए और फिर उसके बाद आप प्रोडक्ट देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है। फास्ट से मैं आपको और दिखा दूँ, बिकॉज ये मेरे को लाइक ठीक ठीक लगा है, मुझे उतना ज़्यादा अभी मैंने एक तो ओपन भी नहीं कर रहा था, तो आई कांट से मतलब पहनने के बाद ये कहो अच्छा लग जाए। यस, एक तो इसका कलर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आया है, मतलब या तो यही कलर है, मैंने शायद नहीं यार कलर तो सेम ही आया है तो या कलर मतलब ये वैसा ही आया है जैसा इमेज में है, बिल्कुल वैसा ही आया मुझे लग रहा है शायद, क्योंकि सी इमेज में जैसा दिया गया है ना ये ठीक वैसा ही आया है, बट ये मुझे पर्सनली जब मैं सामने से देख रही हूँ ना तो ये मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में देख कर बताइए कि आपको ये वाला इयररिंग कैसा लगा, बिकॉज पर्सनली मेरे हिसाब से मैं उसे मतलब ये ठीक ठीक है मेरे लिए, मैं ज़्यादा नहीं पहनूंगी। सो इट्स लाइक अ ओके प्रोडक्ट, बट 351 के अकॉर्डिंग तो मैं नहीं कहूंगी इस प्रोडक्ट के लिए, इट्स अ नो फ्रॉम माय साइड, बट हाँ प्रोडक्ट वाइज देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है। मुझे पर्सनली ये मेरी चॉइस नहीं है, इसलिए मैं इसे आई डोंट थिंक सो कि मैं इसे रखने वाली हूँ, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं अगर आपको ये वाले इयररिंग्स पसंद आए हैं, बिकॉज मेरे लिए ये ठीक ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन इज इयररिंग्स, एंड मुझे एक इयररिंग्स पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बाकी के इयररिंग्स भी पसंद नहीं आए। सो एक मैंने ऑलरेडी आज पहन के रखा हुआ है उसका एक पीस, वेट या सो ये वाला आप इयररिंग देखेंगे कितना ज्यादा प्रिटी लग रहा है। सो मैंने ये फुल सेट लिया था या मेरे बाल
सो मैंने ये पूरा सेट लिया था ज्वेल्स गैलेक्सी से एंड दिस इज अ सेट ऑफ 12 एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज ये वाले जो इयररिंग्स है ना गोल्डन टच में मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी एंड ये बहुत टाइम से अनअवेलेबल चल रहा था लाइक ये अवेलेबल नहीं था. सो दिस इज अ सेट ऑफ 12 इयररिंग्स एंड ये मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी डाला था. मुझे पर्टिकुलरली जो थर्ड रो है ना दिस मून वन ये वाली मुझे बहुत प्यारी लग रही है एंड इसमें मतलब वो अंदर जो है ना वो बहुत छोटे छोटे से कंकड़ लगे हुए हैं तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लग रही थी एंड इसका हर पैर बहुत ही ज्यादा क्यूट है. लाइक आपको पर्ल भी मिलता है, आपको यहाँ पे ये हूप इयररिंग्स भी मिलते हैं लाइक वो मिनी साइज में, मीडियम साइज में, सारे साइज में अवेलेबल है एंड द प्राइस रेंज वॉज प्रीटी अफोर्डेबल दैट इज 209 रुपीज. 209 रुपीज में आपको ये सेट ऑफ 12 मिल रहा है, वो बहुत अच्छी डील है एंड मैंने इसके पहले भी ज्वेल्स गैलेक्सी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करे हैं तो वो बिल्कुल टार्निश नहीं करते हैं. बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वेदर वो टार्निश करते हैं या नहीं करते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसे ऐसे ही रख देती हूँ, मैं इसे मिक्स नहीं करती हूँ दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ, तो इसलिए वो टार्निश नहीं करते हैं. बट हाँ, अगर आपके प्रोडक्ट्स टार्निश करते हैं और अगर आपको रखने में इश्यूज आ रहा है ना तो आपके लिए मेरे पास एक और प्रोडक्ट है दैट इज द ऑर्गेनाइजर, दैट इज इयररिंग्स ऑर्गेनाइजर. सो ये है इयररिंग्स ऑर्गेनाइजर जो मैंने इस बार परचेज करा अमेजोन से एंड ये प्लास्टिक का है. मैंने लास्ट टाइम लाइक वो ग्लास वाला परचेज करा था लिपस्टिक के लिए. मैं इसका प्राइस रेंज आपको बता दी, मैंने लाइट पिंक कलर मंगाया था बट ये डार्क पिंक आ गया, बट इट्स ओके एंड यू कैन सी ये तीन लेयर में है एंड ये आपको मिलेगा 400 रुपीज का, दैट इज 399. सो 399 के अकॉर्डिंग अच्छा है बिकॉज मार्केट में भी इस टाइप के ऑर्गेनाइजर्स अवेलेबल है बट वो क्या अंदर सेक्शंस डिवाइडेड नहीं रहते उसमें, सो इसलिए मुझे वो ज्यादा अच्छे नहीं लगते. लाइक मैंने मार्केट्स में देखे है बट एक तो ये बहुत ज्यादा टाइट है तो अच्छे से रखना. सी इसमें आपको ये पार्टीशंस ऑलरेडी मिलेंगे अंदर तो आपको ज्वेलरी रखने में इजी जाएगा. लाइक यहाँ पे आप इयररिंग्स रख सकते हैं एक सेक्शन में, इयररिंग्स एक में, नेकलेस एक में, आप कुछ और रख सकते हैं ब्रासलेट्स वगैरह बिकॉज सफिशियंट स्पेस है एंड इवन आपके जो इयररिंग्स है ना आप एक में दो भी रख सकते हैं, बहुत ज्यादा स्पेस है. तो मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा काम की चीज होने वाली है. मैं उसमें वो सब सामान रखने वाली हूँ जो मुझे डेली चाहिए पड़ता है, लाइक जो डेली इयररिंग्स और जो मुझे नेक पीसेस चाहिए पड़ते हैं तो वो मैं इसमें रखने वाली हूँ एंड बाकी फिर मैं दूसरे स्टोरेज बॉक्स में रखूंगी. बट टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजर, क्वालिटी ए प्लस है बिकॉज बहुत ही ज्यादा हार्ड प्लास्टिक है, बिल्कुल भी ज्यादा वो लोकल प्लास्टिक यूज नहीं करा इसलिए मुझे ये अच्छा लग रहा है एंड ओवरऑल इट्स अ गुड प्रोडक्ट. लास्ट प्रोडक्ट इज ऑफकोर्स अ ऑर्गेनाइजर. सो ये मैंने लाइक ये सोच के रखा था कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास हो तो जाते हैं लाइक एथनिक वेयर्स है, लहंगा है, बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ उसे रख देते हैं जबकि हमें क्या करना चाहिए कि उसे अलग अलग रखना चाहिए जिससे हमारे प्रोडक्ट्स की जो शाइन है, जो क्वालिटी है ना वो खराब ना हो. हम उसे लाइक वो वहीं रख देते हैं जहाँ पे हमारे नॉर्मल क्लोथ्स रखते हैं या फिर हम अगर अलग भी रख रहे हैं तो हम सारे एथनिक वेयर्स एक साथ रख देंगे. सो इट्स बेटर कि उनको उनके स्टोरेज बॉक्सेस में रखा जाए. तो इसलिए मैंने बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस रेंज में इसे ढूंढा, दैट इज 699 रुपीज के ये जो क्लॉथ फैब्रिक में आते हैं ना तो ये मुझे 699 की प्राइस रेंज में मिले थे एंड दिस इज सेट ऑफ 12. तो इसका हम एक खोल के देख देते हैं मतलब स्पेस वगैरह कितना है, क्या कैसा डिजाइन है इसका, मैंने अभी ओपन करके नहीं देखा था. सो ये है एंड इसमें आपका आराम से लाइक एक लहंगा एंड दो से तीन आपके एथनिक वेयर्स आ ही जाएंगे. ओ माय गॉड, बहुत ही ज्यादा स्पेस है, बहुत ज्यादा स्पेस है. आपके एक से ज्यादा एथनिक वेयर इसमें आ जाएंगे. सो यू कैन सी इसमें स्पेस की तो कोई इशू नहीं होने वाली. इवन आप अपने नॉर्मल कपड़े वगैरह जो है ना टॉप और जीन्स वो भी इसमें कैरी कर सकते हैं बिकॉज नॉर्मली मैं अलमेरा में भी अगर रखती हूँ ना तो मैं उसे स्टोरेज बॉक्स में रखती हूँ बिकॉज अगर हम उसे ऐसे ही रख देंगे ना तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी पे. तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप अलमेरा के अंदर भी रख रहे हैं ना तो उसके अंदर भी आपको एक स्टोरेज बॉक्स में या फिर ये जो क्लॉथ ऑर्गेनाइजर आते हैं ना इसके अंदर रखेंगे. साड़ीज के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छे ऑप्शंस रहते हैं बिकॉज साड़ी इतनी सारी होती है एंड उसे रखने में, उसे ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम जाती है. प्लस आपको ये ट्रांसपेरेंट मिलेगा यहाँ पे तो आपको दिख भी जाएगा कि अंदर क्या रखा हुआ है. तो मैं आपको टॉप और जीन्स के लिए तो ये डेफिनेटली रिकमेंड करती हूँ एंड आप अपनी साड़ी सूट और लहंगा वगैरह भी इसमें रख सकते हैं. सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे एंड मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको लहंगा कैसा लगा बिकॉज आज का लहंगा मुझे बहुत अच्छा लगा है एंड इसके पहले वाला जो पिंक वाला लहंगा था ना वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था. इनकेस अगर आपने वो मिस कर दिया हो तो उसकी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी. सो प्लीज मेक श्योर टू चेक दैट आउट एंड आपको मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में. सो प्लीज टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको अमेजोन से और क्या क्या पसंद है एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. चिल्ड्रन स्टे होम एंड स्टे नेगेटिव. बाय.